क्या नाम है भाई साहब आपका? मुनेश बाबू दीक्षित। कहाँ रहते हैं आप? फतेहगंज पश्चिमी। कौन से मोहल्ले में? ठाकुर द्वारा। ठाकुर द्वारा, क्या बात हो गई भाई साहब? आग लग गई दुकान में। दुकान में आग लग गई? कैसे आग लग गई, पूरी जानकारी दें। अब जब शाम को फोन से किसी ने सूचित किया पड़ोसी ने, तब मालूम पड़ी। तो कई बजे दुकान बंद करके आए थे आप? दुकान बंद करके आए 11 के आसपास। तो फिर ये घटना के बारे में कैसे पता चला आपको? घटना के बारे में पड़ोसी ने फोन किया, तब मालूम पड़ा कि 2:40 पे। अच्छा, फिर आप वहाँ गए थे, दुकान पे गए? दुकान पे हम गए, यहाँ से लड़का हमारा भागता हुआ गया, पीछे पीछे हम गए बाल्टी बाल्टी डंडा लेके। जब तक हम पहुँचे तब तक पुलिस वाले भी आ चुके थे, 3-4 गाड़ी थी। उन्होंने जैसे तैसे हम सब लोगों ने मिलके, मोहल्ले वालों ने सबने मिलके आग बुझाई, और तब भी नहीं बुझने में आई। अच्छा, आग बुझाने की कोशिश करी तो आग नहीं बुझ पाई? आग बुझी नहीं रही थी। अच्छा, दुकान तोड़ी, दुकान के ताले उन्हीं लोगों ने तोड़े, पुलिस वालों ने लाठी डंडे से फिर अंदर का लॉक तोड़ा। अच्छा, उसका देखा तो सब सामान कुछ बचा रह गया था, सब जल के राख हो गया? उसमें कुछ भी नहीं था, केवल खोखा ही खोखा रह गया, जिसे खोखा कहते। तो उनमें आपका लगभग कितने रुपए का नुकसान हो गया हुआ? मेरा, मैं खोखे का अगर सामान लगाया जाए तो काफी है, लेकिन 70,000 के आसपास तो उसमें सामान भरा हुआ था। अच्छा, 70,000 रुपए का तो आप सारा सामान ही रहा, और खोखे में भी काफी नुकसान हुआ होगा आपका? खोखा लगभग इस समय 1,00,000 रुपए का, जिसे खोखा कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसके बारे में पता लगाया आपने कि ये मतलब चोरी किन्ने करी है, या कैसे पता, कुछ पता लगा नहीं लगा? वो सब पता लगा, सामने जनरल ट्रेडर्स के यहाँ कैमरे यहाँ लगे हुए, और मेरे पड़ोस में भी लगा हुआ है, उससे सब मालूम पड़ा जी। अच्छा, कैमरे में जो पड़ोस में कैमरे लगे हैं दुकानदारों के, उनकी फुटेज आ गई है जो चोरी करते हुए, मतलब आग लगाते हुए वो सामने मैंने, तो उसमें क्या लिख रहा है आपको उसमें? सुबह कुछ समझ में नहीं आया। वो लड़के कहाँ से आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए उसमें कैमरे में? कैमरे में सब टाउन एरिया के अंदर खड़े हुए हैं, उसी में से निकलते हैं, उसी में आग लगा के घुस जाते हैं। पहले कुछ ज्वलनशील पदार्थ डालते हैं और उसके बाद दोबारा आग लगा देते हैं और उसी में घुस जाते हैं। तो आपने इसकी लिखित शिकायत थाने में दी है क्या? मैंने थाने में भी दी और चौकी में भी दी, मुझे कहीं कोई जवाब नहीं मिला। तो आपका मुकदमा दर्ज हो गया क्या? अभी वो कह रहे हैं कि थाने आना कि चौकी आना, कहीं कोई दर्ज नहीं। अगर दर्ज होता तो फिर मैं आगे कार्रवाई क्यों करूंगा? अच्छा, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं की। आगे आपका क्या फैसला है? आगे तो मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर नहीं सुना जाएगा उसके ऊपर जाऊंगा, कोई नहीं सुनेगा, योगी मोदी तक जाऊंगा मैं। अच्छा, मैं यहाँ मानने वाला थोड़ी हूँ। तो नगर पंचायत